पुलिस मुठभेड़ में नाबालिग से दुष्कर्म के संबंध में वांछित आरोपी ढेड़ अभियुक्त के पैर में लगी गोली। जनपद औरैया के बिधुना कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। आरोपी को पकड़ने के दौरान दुष्कर्म के आरोपी ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। बचाव में पुलिस ने भी गोली चलाई जो आरोपी के पैर में जा लगी। बताया जा रहा है नाबालिग लड़की बीमार रहती थी, जिसकी वजह से उसका पिता झाड़फूर कराने के लिए बहन के पास छोड़ गया था। आरोपी नाबालिग लड़की को उठाकर ले गया और कई जगह ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। परिजनों की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ विधुना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। पुलिस को आरोपी के आने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपी की घेराबंदी की गई। पुलिस के आरोपी से हुई मुठभेड़ की सूचना पर पुलिस अधीक्षक औरैया चारू निगम, अपर पुलिस अधीक्षक देवंगर कुशवा सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। औरैया जनपद की बिधुना कोतवाली क्षेत्र की नकेड़ी पुड़िया के पास हुई मुठभेड़। मुठभेड़ में एक आरोपी जो है घायल हुआ है, किस तरीके से क्या रहा है पूरा मामला? ये घायल अभियुक्त सुमित नारायण और टिंकू यादव चकर नगर गांव का है। ये थाना बिधुना क्षेत्र में ये एक नकेड़ी पुलिया पड़ती है, इसके पास इसके आने की सूचना थी। एक 376 पॉक्सो का अभियोग आज सुबह लिखा गया है। एक पीड़िता के द्वारा थाना बिधुना पे आकर शिकायत दी गई थी कि 16 जून से उसके साथ सुमित नारायण और टिंकू यादव के द्वारा जो है गलत काम किया गया, उसका जबरदस्ती बलात्कार किया गया और कई बार इस घटना को उसके द्वारा कारित किया गया। तो जब पूरी जांच की गई तो ये पता चला कि ये रायबरेली की रहने वाली है। इसके माँ बाप इसको झाड़ फूक के बहाने से अपनी इसकी बहन के पास छोड़ गए। उनका मानना था कि इसको कोई इलाज कराने की ज़रूरत है, तो जब से वो छोड़ गए ये अभियुक्त इसको अपने साथ उठा के ले गया और कई जगहों पर इसके साथ घटना कारित की। इसमें अभियोग पंजीकृत कर इसको ढूंढा जा रहा था। इसको जब पुलिस पकड़ रही थी तो उस समय ये अपनी बाइक छोड़ के भागने लगा और जब इसको लगा कि अरेस्ट हो जाएगा तो इसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दी। फायर करने के बाद जवाबी फायरिंग में इसके ये घायल हो गया है। प्राथमिक उपचार के लिए CHC बिधुना लाया गया है। डॉक्टर्स के द्वारा कंडीशन स्टेबल बताई गई है और अग्रिम इलाज के लिए उपचार के लिए इसको रेफर किया जा रहा है। JV हेल्थ केयर अब रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।